कैसे रुकी दिखाया गया लगता है। ये पहला चेक पॉइंट है। सामने जो आप देख रहे हैं वो चिप्सी है। ये देखिए बाहर आपको ऊंचा पहाड़ दिख जाएगा, इसके जस्ट नीचे की तरफ पानी आता है और एक झरना भी वहाँ पर बना हुआ है। देख सकते हैं आप पानी वहाँ पर, बहुत सारा पानी है। कई बार यहाँ भी टाइगर की साइटिंग हो जाती है, किस्मत पर डिपेंड करता है। और अब गौमुखी आने ही वाली है। गौमुखी से जो पानी गिरता है वो इस मार्ग से सारा का सारा बाहर आ जाता है पानी। अभी भी पानी वहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। और सामने गौमुखी आ चुकी है, तो मैं आपको गौमुखी दिखाता हूँ। वहाँ से अभी भी पानी बह रहा है लगातार, जो कि पहाड़ों में से ही आ रहा है। ये गौमुखी है, यहाँ पर अभी जो है वो तार लगा दिए गए हैं। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था इस प्रकार की सुविधा, लेकिन कुछ एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद में यहाँ पर अब जो है वो तार लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी इधर गिरे नहीं। क्योंकि गिरने के बाद में अभी तो खैर इतना खतरा नहीं है, लेकिन बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं सामने पानी आ रहा है और लगातार पर्यटक यहाँ पर देसी विदेशी सभी प्रकार के गौमुखी की साइटिंग करने के लिए आते हैं। ये देखिए आप सामने, आप देख सकते हैं गौमुखी में से पानी जो है नीचे गिर रहा है। इसके अलावा भी पानी गिर जाता है बरसात के मौसम में, तो खैर आप कहीं नहीं सकते कि कितना जगह से यहाँ पर पानी आता है। चलिए, ये सामने एक गेट है जिसमें से हम इस वक्त प्रवेश करेंगे और इधर से ये पानी जाता है पूरा। सामने आप देख सकते हैं, और यहाँ पर से बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, और कभी कभी ज़रूर से ज़्यादा भी आता है, अपने घुटनों के भी ऊपर से पानी, और भी ज़्यादा शायद पानी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ भी तो बरसात में पानी, इस जगह से भी बहुत सारा पानी आता है। सामने एक झरना सा बना हुआ है वहाँ पर, आप अभी पानी नहीं गिर रहा है वहाँ पर से, अभी शायद नीचे हो गया आ रहा होगा या पानी, पहले वहाँ से पानी गिरता है। दिखा देता हूँ आपको सामने, वहाँ पर उस जगह से पानी आता है। अभी नीचे होके आ रहा है, थोड़ा सा रिस के आ रहा है ऐसे मान लीजिए। ये देखिए यहाँ से आ रहा है पानी। ये देखिए सामने धुंध हो रही है आज सर्दी के मौसम में, और ये जो एरिया देख रहे हैं इधर की तरफ वाला, ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर जोन टाइगर जोन आ चुके हैं और यहाँ पर खतरा हमेशा बना रहता है। इस जगह पर कई बार टाइगर देखा गया है, अब भी तो खैर नहीं है, वो तो किस्मत पर डिपेंड करता है आपका बहुत ज़्यादा। इस जगह भी कई बार टाइगर की सेटिंग हो जाती है, दोनों तरफ देखते हुए चले, अगर दिख जाता है तो किस्मत है। लेकिन चूंकि अभी पूरे जो जोन है, पूरे रणथंभौर के 10 जोन सभी में पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो मुश्किल है कि टाइगर इधर आए पानी पीने के लिए, वरना वो आ जाता है कभी कभी। पैदल यात्री भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, और बरसात में तो खैर बहुत ही ज़्यादा पैदल यात्री यहाँ पर आ जाते हैं, और ख़ास करके जो चतुर्थी होती है उस दिन पैदल यात्रियों की यहाँ पर भरमार होती है। बुधवार को भी भरमार होती है, और ख़ासकर रविवार को भी भरमार रहती है। कैसे रुकी दिखाया गया लगता है। ये इस जगह यहाँ पर जो है वो टाइगर दिखा था इस जगह पर, और उधर ही चला गया था सीधा, और वहाँ से एक दीवार सी बनी हुई है, उसमें थोड़ी सी खिड़की सी है, उसमें होकर बाहर निकल गया। अभी खिड़की को सही कर दिया गया है, पहले वो खिड़की बिल्कुल टूटी हुई थी, उस जगह से वो टाइगर बाहर निकल गया था। गाड़ियों को चढ़ाने में काफ़ी परेशानी आ जाती है कभी कभी। वो जो टाइगर था, मैंने आपको जो दिखा था, वो यहाँ से धीरे 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 जाते हुए, मैं बताता हूँ आपको, उस वक्त मैं पीछे, क्या पीछे उल्टी गाड़ी खींची थी हमने सीधी, और यहाँ पर इधर देखो एक खिड़की है, यहाँ से निकला था, ये दिख रही है ये खिड़की, इसमें से पूरी टूटी हुई थी दीवार यहाँ पर जब है ना, तो उसमें से वो बाहर निकल गया था। यहाँ से मैंने ली थी उसकी फ़ोटो, और हाँ उधर है ना अंदर जोन 3 का, उधर जो है आप देख सकते हैं इधर की तरफ जोन 3 है, और सामने अब रणथंभौर का जो किला है वो आने ही वाला है। और देखिए आ चुके हैं, और उसके बाद में सारे सामान जो है मैं ले जाने हैं ऊपर की तरफ, तो सभी बच्चे तैयार हैं, हम भी तैयार हैं जाने के लिए। एक एक करके सारा सामान जो है ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, वहीं पर खाना बनाएंगे, और दाल बट्टी वहीं बनाना है, वहीं पर खाना है। और यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ इतिहास है यहाँ का, रणथंभौर का।
आज संडे है और संडे के दिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप बुधवार को आएंगे तो और भी ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी। यहाँ पर ऊपर के नज़ारे आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर से बने हुए पहाड़ यहाँ पर हैं। ये जो है गणेश शिला इसको कहते हैं, दूर से देखने पर यह गणेश जी जैसी नज़र आती है। इसलिए देखिए आप काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ और धीरे धीरे अभी भी चढ़ाई बढ़ती जा रही है। यह है रणथंभौर नेशनल पार्क का एक पूरा व्यू, सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर टाइगर साइटिंग हो जाती है, कभी कभी मगर वगैरह भी दिख जाते हैं। अभी धुंध की वजह से दूर हम देख नहीं पा रहे हैं। यह रक्षित है, तन्मय है, धनराज है, और साथ में कौन है, एक रजत है, हर्षित है, सभी रोहित है। यहाँ से भी एक वाइड एंगल व्यू पूरा आप देख सकते हैं। और बड़ा ही शानदार आज मौसम है। अच्छा हाँ, देखिए बच्चों ने बहुत अच्छी जानकारी एकत्रित की हुई है कि गेट को घुमा किस लिए बनाया गया है, ताकि कोई हमला हो तो पता नहीं चले कि यहाँ पर कुछ है और सेना यहीं से रुक जाए। इसके अलावा जो हम मीर का घोड़ा था उसके चिन्ह भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं सामने। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि हम मीर का घोड़ा इस जगह से और पूरा ऊपर चढ़ गया था यहाँ पर, जब से चट्टान में इसमें निशान हो रहे हैं, जब से ही ऐसा कहते हैं। ये गणेश पोल है, देख सकते हैं, हाँ गणेश जी की मूर्ति भी है। एक ये जगह कहलाती है गणेश पोल, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अब बनाया गया था। पूरा तत्व विभाग ने अब अधिग्रहण कर लिया है इस जगह का। अंधेरी पोल इस जगह को कहा जाता है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा साइडिंग हो जाती है, लेकिन पहले हम अंदर से देख कर आएंगे एक बार अंदर किस प्रकार की स्थिति। बिल्कुल झरझर और खंडर बना हुआ है जगह, ये देखिए आप, बिल्कुल ये तो देखिए आप, यहाँ से पूरा नज़ारा सामने का ऊपर से नीचे तक का सारा दिख रहा है। यहाँ से पूरा नज़र आ रहा है यहाँ से, इस खिड़की से ही। यहाँ से सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन ऊपर जाना क्योंकि जर्जर स्थिति है तो खतरा बना हुआ है, उचित नहीं जाना। रणथंभौर का इतिहास जितना भी बताया जाए उतना ही कम है, और असीमित इतिहास है रणथंभौर का, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत चीज़ें अभी भी हैं जो गुप्त अवस्था में ही हैं। और यहाँ से एक दृश्य दिखाता हूँ मैं पूरा, आप टॉयलेट वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप जो है वो जोन 3 का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं वो जगह, वहाँ पर आपके क्रोकोडाइल्स देख सकते हैं, कभी कभी टाइगर वगैरह पानी पीने आते हैं, तो दूर से आप उनको जरूर यहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर से ये सामने जो जिप्सियाँ दिख रही हैं आपको नीचे की तरफ, वहाँ से एंट्री गेट है, ये इधर से जाते हैं पूरा, उधर तो जोन 3 है। अब
खजूर के हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है, पूरा किला भी यहाँ से दिख जाता है। उधर देखिए आप लोग अभी भी आ रहे हैं वहाँ पर, देखिए अलग तरह का कुछ है। Thank you.